I'm thankful to the media friends for sparing your moments from your precious time. And let me start with saying that we came all the way from Jammu. क्योंकि जो जलजला ट्रेडर्स और व्यापार जगत के लिए आने वाला है उसका इल्म कश्मीर के भाइयों के थ्रू अवेयर भी करना है। 21 सितंबर को मैंने एज फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रेसिडेंट जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और एक बहुत बड़ा खुलासा किया था जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी और फार्मा इंडस्ट्री का नेक्सस है, कैसे वो सेम एमआरपी है मगर अलग अलग सेक्टर्स को कैसे डिफरेंट प्राइसिंग हो रही है। बड़ा मुश्किल हो जाता है एक पेशेंट के लिए जानना कि वही चीज़ 1000 का इंजेक्शन है, वही 2000 का, वही 3000 का है, मार्केट में मिल रहा है, एमआरपी सेम है, तो असली क्या है, तो नकली क्या है। एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स वी हैव सॉ टू इट एंड अश्योर्ड कि कम से कम जम्मू जैसी मार्केट में किसी को आज तक सुपीरियर ड्रग नहीं पाई गई, ना ही इंटॉक्सिकेंट ड्रग्स की सेल होती है, एंड वी आर प्राउड ऑफ दैट। मेरे साथ जम्मू केमिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नवीन बाली जी, मैं जनरल सेक्रेटरी राजन गुप्ता। तो हमारी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक क्लैरिफिकेशन प्रेस नोट जारी किया नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने। आई वुड से दे ट्राइड टू स्वीप अंडर द कारपेट। उन्होंने बोला हमारा मैंडेट है सिर्फ प्राइसेस सील करने का। सो मैं उनको चैलेंज करता हूँ, एट व्हाट प्राइस यू आर सीलिंग 100-500% मार्जिन फ्रॉम द रेट यू आर सेलिंग टू होलसेल और रिटेल, आप आम जनता को लूट रहे हैं। और साथ ही साथ जब इतना डिफरेंशियल होगा तो पूरी ड्रग का आना का रास्ता खुल जाता है। साथ ही साथ जो फेयर प्रैक्टिसेस मैंडेट की हाईएस्ट अथॉरिटी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को मेरी अपील है, दे शुड टेक अ नोट ऑफ दिस एंड इमीडिएटली एक्ट इन दिस रिगार्ड। और मैं एक बार फिर अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को अपील कर रहा हूँ, ये हेल्थ केयर का मसला है, इसकी कंसर्न मिनिस्ट्री को इमीडिएट अर्जेंटली आप डायरेक्शन दीजिए कि इन एनोमलीज को दूर कीजिए, किया जाए जल्द से जल्द। पर्सनली मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री के नारे के साथ मैं बहुत खुश हुआ जब उन्होंने बोला सबका साथ सबका विकास, और इस छोटे स्पैन ऑफ टाइम में उन्होंने काफ़ी सराहनीय काम भी किया और विच आर सीइंग द लाइट ऑफ द डे। बट जहां तक ट्रेडर्स का ताल्लुक और ये बिग चेन्स के जो फिजिकल स्टोर्स थिनली पॉपुलेटेड स्टेट्स में, खासकर जम्मू कश्मीर जैसी जगह, मैं आपको बताऊं कि जम्मू की पॉपुलेशन सिटी की होगी 15-20 लाख, श्रीनगर की 25 लाख होगी, तो ऐसी जगहों पे जब बड़ी चेंज आएंगी तो उसमें विकास नहीं होगा श्रीनगर सिटी एंड अराउंड में, तो कैसे सरवाइव करेगा। या तो एक ऑर्डिनेंस निकाला जाए भारत सरकार से कि सबको एक प्राइस मिलेगी, सपोज वॉलमार्ट है बेस्ट प्राइस है रिलायंस को, उनको एक प्राइस मिलेगी, ट्रेडर को भी वही प्राइस मिलेगी। हमारा फंडामेंटल राइट है राइट टू लाइवलीहुड, और हमें कुछ भी करना पड़ेगा इस चीज़ को हम लड़ेंगे और गवर्नमेंट को मानना ही पड़ेगी हमारी बात। जहाँ तक चेंज का फिजिकल खुलना की बात कर रहा हूँ, जम्मू में खुल चुकी हैं, कश्मीर में बहुत जल्द खुलने वाली हैं, तो पूरी हमारी जितनी भी ट्रेडिंग फ्रेटर्निटी है, हम तो सिर्फ दवा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मगर वन एंड ऑल विल बी अफेक्टेड। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में हमें इसके लिए चाहे सड़कों पर आना पड़ेगा। काफ़ी मुद्दे आप देख रहे हैं कुछ देर से कि ये जम्मू के स्टेक होल्डर्स, कश्मीर के स्टेक होल्डर्स, वी आर सफरिंग। वी वेलकम दी डेवलपमेंट्स, जो अच्छी अच्छी अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, काफ़ी इंफ्रा पे पैसा खर्चा जा रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे स्टेक होल्डर्स को भी उसको फ़ायदा होना चाहिए। और मैं मल्टी ब्रांड कंपनीज के मालिकों को एक अपील कर रहा हूँ, क्या आप सुकून की नींद सोच सकेंगे? 8 करोड़ ट्रेडर्स हैं हिंदुस्तान में, और 8 करोड़ ट्रेडर्स ने कितनी एम्प्लॉयमेंट दी है, इतने करोड़ लोगों को बेघर करके उनकी रोजी रोटी उनके मुंह से निवाला खींच के खाने का, क्या आप चैन की नींद सोच चुकेंगे? यू हैव द मनी पावर, द वर्ल्ड इज ओपन फॉर यू, आप बड़ा काम कीजिए, कुछ इस दुकानदारी में मत आइए। हिंदुस्तान का द आइडिया ऑफ इंडिया आज कहीं ना कहीं लगता है मुझे डिफीट हो रहा है, क्योंकि सब क्षेत्रों का विकास नहीं होगा, ना ही सरकार के पास नौकरियां देने को हैं इतनी, तो वो कैसे अपनी गुजर करेंगे। तो मैं मीडिया के माध्यम से और पूरे कश्मीर के ट्रेडर्स को भी, जम्मू में काफ़ी अवेयरनेस थी तो हम यहाँ पे इसलिए आए, हम स्टेक होल्डर से आज मिल भी रहे हैं, हमें इस पर इकट्ठा खड़ा होना पड़ेगा। दिस इज द टाइम वी एक्ट, और नहीं तो हमारा नामो निशान मिट जाएगा।